मध्य प्रदेश में जिस तरह की दर्दनाक घटना हुई है और जिस तरह से दो मासूम बच्चों की हत्या की गई है, पूरा देश, पूरी दुनिया में देश का नाम खराब हुआ है। और एक बार फिर से बहुजन समाज सोचना पड़ेगा कि क्या हम एक दूसरे की जान लेते रहेंगे और क्या इस देश में न्याय होगा। ये भी सोचना पड़ेगा कि जो हत्या कर रहा है, जो इसने हत्यारा है, उसने कहा है कि मेरे सपने में आया था कोई भगवान, उसने कहा था कि राक्षसों का वध कर उसको फांसी होनी चाहिए। लेकिन समाज जो है वो जागरूक हो रहा है, सड़कों पर निकल रहा है। आज जंतर मंतर पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, मध्य प्रदेश का भले मामला हो। सर, क्या मांग है आप लोगों की? अब हम लोगों की मांग है कि जिन लोगों ने जघन्य अपराध किया है, दो मासूम बच्चों की हत्या की है, उनको फांसी की सजा दी जाए, ये मांग है। परिवार वालों को क्या मांग है? परिवार वालों के लिए मांग है 1 करोड़ रुपया नगद उनको दिया जाए मुआवजे के रूप में, प्रधानमंत्री आवास योजना में से एक मकान दिया जाए और एक परिवार, पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए। सर, क्या लग रहा है इसमें जाति वजह है हत्या के पीछे? हाँ, जाति की वजह है, क्योंकि जो हत्यारे हैं उन्होंने ये कहा कि उनको भगवान का आदेश हुआ कि राक्षसों को खत्म करना है पृथ्वी से। आप लोग भी तो उसी भगवान को घर में बैठाए हुए हैं जी, आप लोग भी तो उसी भगवान को घर में बैठाए हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग भगवान के भगत हैं, अंधभगत नहीं है। हम बाबा साहब के भगत हैं, वाल्मीकि जी के भगत हैं, हम ये ध्यान रखिए। वाल्मीकि समाज एकजुट हो रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा अत्याचार उन्हीं पर हो रहा है। वाल्मीकि समाज अब एकजुट हो रहा है, धरने प्रदर्शन आंदोलन कर रहा है और बहुत जल्द वाल्मीकि समाज को भी जागना पड़ेगा और यही हमारा आह्वान है अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत से। अब तक कोई मदद मिली है, कुछ जानकारी है? हाँ, हम राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग और अनुसूचित आयोग में गए थे, वहाँ पर जाकर के हमने अपना पत्र वहाँ पे दिया, मांग पत्र दिया और वहाँ जो निवेदन किया गया। मनुवाद और जातिवाद जो है ना, ये एसटी एसटी ओबीसी में भर दिया गया है, उसमें हुआ है। पत्थर चला कोई रहा है, चलवा कोई और रहा है, लेकिन सजा होना चाहिए पत्थर चलाने वाले को, ताकि उसको पता चले कि कोई भगवान बचाने नहीं आएगा। पीड़ित परिवार की कुछ मदद हुई है? हाँ, परिवार की मदद हुई है। और कुछ जानकारी है आपके पास? और कितने बच्चे हैं उनके? कुछ और को नहीं, उसका एक ही बच्चा था, जिसको जो पिता के उसका कहना है, मेरी बात हुई थी उनसे, उन्होंने कहा कि मेरा एक ही बच्चा था, ये अब मैं यहाँ पे रह करके क्या करूँगा। तो हम जो दिल्ली में ट्रांसफर करना चाहते हैं केस फास्ट ट्रैक कोर्ट पर, उनको फांसी साथ दिल्ली में दिलवाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार पे हमारा वो नहीं है और अनुसूचित आयोग के द्वारा 9 लाख रुपए की राशि अभी चेक उनको हमने इश्यू करवा दिया है उनके पिता को। सिर्फ 2 लाख? 9 लाख, 9 लाख की बात कर रहे हैं हम, 2 लाख की 9 लाख दोनों पीड़ित परिवार को 9 लाख। हाँ, एक परिवार, एक ही परिवार के बच्चे हैं वो। और अभी और हमने मांग की है, 1 करोड़ रुपए हम लोग मांग कर रहे हैं, फिर देखते हैं कितना वो वहाँ से। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए और इस प्रदर्शन का आयोजन करने के लिए भी नेशनल स्तर की टीम की तरफ से। क्या लग रहा है आप लोग बहुजन समाज के युवा है, क्या करने की जरूरत है? पानी सर से ऊपर जा चुका रहा है, पानी सर से इसलिए ऊपर जा रहा है क्योंकि हमारा जो नवयुवक है आज भ्रमित है। हमारा नवयुवक आज मूर्ति पूजन के पीछे लगा हुआ है। जो मनुवादी सोच के जो लोग हैं, उनकी जो पॉलिसी है, उन्होंने पॉलिसी के तहत इन लोगों को शिक्षा से और व्यवसाय से दूर रख करके सिर्फ एक चीज मूर्ति पूजन के पीछे लगा दिया। और हमारी सफाई कर्मचारी की सरकारी नौकरी भी छीन ली, अब वो ठेका पर हो गया। एक जो हमारा अशिक्षित वर्ग था, वो सफाई कर्मचारी की नौकरी पार करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर देता था, लेकिन उसमें भी इन जब से मनुवादी सरकार यहाँ पर बैठी है, दिल्ली हो चाहे पूरे देश में या और अन्य प्रदेशों में बैठी है, इन्होंने सारे प्रदेशों में ठेकेदारी प्रथा ला करके वो जो सफाई का पैसा है वो भी छीन लिया। अब लोग झूठ होने लगे हैं, मध्य प्रदेश की घटना है, आप लोग दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप मुजफ्फरनगर से, तो अब समाज एकजुट हो रहा है? समाज धीरे धीरे एकजुट हो रहा है, आक्रोश है लोगों में, लेकिन अभी सड़कों पर नहीं उतरा। जिस दिन सड़क पर आएगा उस दिन किसी मनुवादी या किसी कास्टेजियम वाले ऐसे किसी व्यक्ति की इतनी ताकत नहीं होगी कि वो किसी भी एक छोटे बच्चे या एक जरा से किसी भी चिड़िया के बच्चे को भी हमारे छू करके दिखा। क्या करने की जरूरत है दोस्त? जय वाल्मीकि, जय भीम। जो हम इतने संगठन चला रहे हैं वाल्मीकि समाज के नाम से, वो एक संगठन बनाना चाहिए ताकि हम सब एक समुद्र की तरह दिखे और सबको, एक सभी युवा को एक साथ होकर रहना चाहिए ताकि हमारे समाज को, हमारी बिरादरी को तरक्की मिले। और जो हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं, अच्छा आप इसी प्रोटेस्ट में आए? जो हमारे समाज के साथ ये अत्याचार हो रहे हैं, कल ये ना हो। ये दो बच्चे, जो दो मासूम बच्चों की हत्या हुई है, मैं इनके लिए बहुत 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 ही ज्यादा नर्वस हूँ कि इन बच्चों के साथ में इतनी गलत दुर्घटना हुई है कि आप सुन भी नहीं सकते।
ये समाज बहुत ज्यादा पीछे जा चुका है हमारा, हम सबको क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे? जय वाल्मीकि, जय भीम। हमारे समाज को दलित समाज के नाम से, जो एक इतनी बड़ी आबादी है, उसे बांट रखा है राजनीतिक दलों ने। अब ये मंदिर तोड़ा गया रविदासियों का, उसमें वाल्मीकि समाज का सबसे बड़ा हाथ था समर्थन में, और एक आक्रोश दिखाया गया पूरा। और आज हमारे साथ कोई भी, आप लोग वाल्मीकि बने हुए, एससी कब बनेंगे, बहुजन कब बनेंगे? जी हाँ, ये बात सही है, हम बहुजन कब बनेंगे? हमारे समाज को, दलित समाज को बांटने का जो काम है वो राजनीतिक पार्टियों का है। इन लोगों ने इतनी फूट डाल रखी है, अगर वाल्मीकि समाज किसी के साथ खड़ा होता है तो उसको हमारे साथ नहीं खड़ा कर देते लोग। क्या सोल्यूशन क्या है सर? कब तक हम, आपकी नौकरी जा रही है, सफाई कर्मचारी की नौकरी चली गई, बच्चे मारे जा रहे हैं, आज भी व्यवस्था में वही हालत है, क्या किया जाए? अब एक ही है, पहले तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपको जितनी बार हम देखते हैं, आप एक मजदूर की आवाज़ उठाते हो, दलित समाज की आवाज़ उठाते हो और अच्छे से उठाते हो। मैं भी आप ही के समाज से इसलिए उठाता हूँ। जी जी, आपका धन्यवाद करना चाहेंगे हम कि आप जैसे क्रांतिकारी भी हमारे बीच में हैं, जो कई तरह से हमारा सहयोग कर रही है। हम यही कहना चाहेंगे कि जो युवा साथी है उनको आगे लिया जाएगा और उनको आगे लेके चलना पड़ेगा, तभी इस समाज में एकता, एक जो समाज में जो अलग अलग समाज का जो एक ट्रेडमार्क लगा हुआ है कि मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, मैं जाटो समाज से हूँ, उसको एक करना पड़ेगा। एक करने का अभी माहौल बढ़ चुका है, ऐसी बात नहीं है। अभी 2 तारीख के बाद, जो 2 तारीख को एक संविधान बताने के लिए जो आंदोलन किया था, उसके बाद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जागृता का बहुजन समाज में आया। चलिए, बहुजन समाज जग रहा है, पढ़ाई लिखाई से दूर कर दिया गया है, ये प्रोटेस्ट है दिल्ली में। देखिए, यही दो मासूम बच्चे थे जिनकी हत्या हुई, अविनाश वाल्मीकि एवं रोशनी वाल्मीकि, और किस तरह से इनको पीट पीट कर मार दिया गया, उसको लेकर दिल्ली में प्रोटेस्ट है। और इसी तरह की व्यवस्था इस देश में, इसलिए मैं कहता हूँ मानसिक रूप से बीमार देश में हम लोग रहते हैं। संख्या भले कम हो, लेकिन कम से कम वाल्मीकि समाज घरों से निकलने लगा है, बहुजन समाज घरों से निकलने लगा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, और काफी संख्या में तो नहीं लेकिन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद मत, महिलाएं जो हैं वो इस प्रोटेस्ट में आई हैं। क्या चाहती हैं आप लोग, क्या न्याय में दिया जाए उसको? देखिए, ये डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, आप कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। तो ये देखिए, ये प्रोटेस्ट है, और जो शिवपुरी में, जो मध्य प्रदेश में दो मासूम बच्चों की हत्या की गई है, उसको लेकर दिल्ली में प्रोटेस्ट कॉल किया गया है, और लोग यहां जमा हुए हैं और सरकारी मदद की मांग कर रहे हैं, और जो हत्यारे हैं उनके लिए जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल कर सजा की मांग कर रहे हैं। शंभु कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।